खालसा खालसा जिते निडर दलेर ते बहादुर है उत्थे ही करनी ते कथनी दा पूरा है। खालसे दी दास्तान विचों मैं सिख इतिहास दे पन्नियां दे ओ दो वाक्या सांझे करन जा रहा हाँ जो आपस विच मेल खांदे ने। वैसे तां इतिहास कुरबानियां दीआं घटनावां नाल भरपूर है पर इतिहास दे सुनहरी पन्नियां विच दो घटनावां अजिहियां होईआं हन जो दो सिंघां ने समें दी नजाकत नूं समझदिआं होईआं उस अकाल पुरख अगे अरदास करके आपा वार दिता। पहली घटना सन 1817 ईस्वी की है जब महाराजा रणजीत सिंह पहाड़ी रियासतां दे दौरे तो मुड़दा होया राह विच शिकार खेडण लई वणीके रुक जाता है। इत्थे शेरे पंजाब बीमार होकर कुछ दिनों पिछों लाहौर वापस परत आउंदा है। महाराजे की बीमारी कटण की थां इन्नी वध गई कि उन्हां दी जिंदगी नूं खतरा हो गया। उस समय सिखी नाल प्यार करन वाले सरदार निहाल सिंह अटारी वाला दे मन ते महाराजे दे बीमार होण दा बहुत असर होया। सरदार निहाल सिंह नूं ओह महल टेंदा नज़र आया जिस दीआं नीहां पिछले 100 साल समय दीआं हुकूमतां नाल मत्था ला के लखां सिंघां ने अपना खून डोल के पक्कियां कीतियां सन। ओह खालसा राज दीआं नीहां जिन्हां उपर महाराजा रणजीत सिंह ने महल उसारिया सी। सरदार निहाल सिंह अटारी वाला नहीं चाहते सन कि यह महल इन्नी जल्दी ढह ढेरी हो जाए। सो सरदार ने शेरे पंजाब के पलंग कोल खड़ के सच्चे पातशाह अगे सच्चे मनों यह अरदास की कि हे अकाल पुरख जीओ महाराजा अरोग हो जाए तो उसकी बीमारी मैनू लग जाए। अरदास कर सरदार निहाल सिंह ने महाराजे के पलंग दुआले 3 परिक्रमा कीतियां अते वापस आ गया। वाहिगुरु के रंग देख लो शेरे पंजाब अरोग हो गया तो सरदार बीमार। कुछ महीने बीमार रह के जनवरी 1818 में सरदार निहाल सिंह अटारी वाला अकाल चलाना कर गया। इत्थे ही दूजी घटना 165 साल बाद सन 1982 की है। उस समय ज्ञानी गुरदयाल सिंह अजनोहा जो कि अकाली फूला सिंह जी की कुल विचों सन वह अकाल तख्त साहिब के जथेदार हैं अते उस समय सिख कौम की बागडोर संत जरनैल सिंह मिटरां वालियां दे हाथ विच सी। जथेदार साहिब बहुत ही अणखी ते निडर सन। उन्हां दा संत जी नाल बहुत प्यार सी। जथेदार साहिब आने वाले समय नूं बखूबी समझ चुके सन। एक दिन वह संत जी नूं कहिंदे कि मैं अपने घर अखंड पाठ करवाउणा है पर उदों जदों तुसीं भोग ते आओगे। संत जी ने कहा कि मेरे आउण नाल की फर्क पवेगा, तुसीं मेरे लिए देग इत्थे ही लै आउणा। पर जथेदार साहिब कहिंदे कि तुहाडा आउणा जरूरी है। संत जी ने जथेदार साहिब दी गल मन ली अते तरीक तय कीती गई। अखंड पाठ साहिब के भोग वाले दिन जथेदार गुरदयाल सिंह अजनोहा जी ने भोग समय अरदास करते हुए कहा कि हे सच्चे पातशाह भाई जरनैल सिंह मेरे तोंग की कीमती है, इसनों हाथ दे के रखना अते मैनू बुला लेना। संत जरनैल सिंह जी ने प्रसाद लिया अते कहा कि सिंह साहिब नूं ये बचन नहीं करने चाहिए सन। संत जी उदास मन नाल उत्थों श्री अमृतसर साहिब आ गए अते जथेदार साहिब ये कह के घर रुक गए कि मैं कल नूं आवां। पर उसे रात ही वह अकाल चलाना कर गए। असल विच ये घटनावां ही खालसे की चढ़दी कला दीआं प्रतीक हन। वह पंथ की कीमती शख्सियत की आई अपने सिर लै के कौम नूं समर्पित हो जाते हैं। दुनिया नूं समाजिक तौर पर सदा लई अलविदा कह कौम की कीमती शख्सियत नूं कौम दे सपुरद कर लैंदे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।